बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अब सबका चैनल विन के स्पेशल प्रोग्राम एक मुलाकात डॉक्टर के साथ सीजन टू में खैर मकदम है। नाज़रीन, आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और ये इसलिए है क्योंकि इसमें डिस्कस की जाने वाली कंडीशंस अक्सर फेटल नहीं होती है, लेकिन नोइंग अबाउट देम इज डेफिनेटली गोइंग टू बी लाइफ चेंजिंग। अब हम सब जानते हैं कि हर एक इंसान की एक शख्सियत होती है जो उसकी सोच, एहसासात और रवैये पे पाबंद होती है। इसीलिए हम जब भी कोई इंसान को डिस्क्राइब करते हैं तो हम उसकी खुसूसी ट्रेट्स को ज़रूर हाईलाइट करते हैं। मसलन के ये इंसान को बहुत गुस्सा आता है, ये खातून बहुत ही नर्म मिजाज की है, इसे सफाई बहुत पसंद है, या ये इंसान तो शक्की मिजाज का ही है। अब आम तौर में हर एक सिचुएशन में हम कई सारी ट्रेट्स को डिस्प्ले करते हैं, मसलन के हमें गुस्सा भी आता है, डर भी लगता है और कई बातों में शक भी होता है। ये सारे एहसासात नॉर्मल है, लेकिन जब कोई पर्सनालिटी ट्रेट किसी इंसान के अक्स पे हावी हो जाता है, मसलन के एक इंसान हर बात में शक करता है, वो हर किसी से बदगुमान रहता है, उसे अपने अजीज़ अकरबा पे भी ट्रस्ट नहीं आता और उसे लगता है कि हर कोई उसे ठगने के लिए बैठा है, तब ये पर्सनालिटी ट्रेट असलियत में एक बीमारी की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। इसीलिए आज हम इसी पर्सनालिटी ट्रेट्स पर गुफ्तगू करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है पर्सनालिटी डिसऑर्डर, और इसमें हम देखेंगे अहम सवालों में कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या होता है, क्यों और कैसे होता है, हाउ डज वन आइडेंटिफाई अ पर्सनालिटी डिसऑर्डर, और क्या इसकी कोई ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है भी या नहीं। इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर साजिद अली खान, अ रिनाउंड साइकाइट्रिस्ट हु हैज़ 25 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, हैज सर्व्ड इन सेवरल हॉस्पिटल्स एंड इज़ एन वेल नोन मेंबर ऑफ सेवरल एलीट साइकियाट्रिक एसोसिएशंस। सो डॉक्टर खान, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर रिमूविंग टाइम टू बी विद अस वंस अगेन। इट्स द प्लेजर इज माइन। थैंक यू सो मच। सो मेरा पहला सवाल डॉक्टर आपके साथ यही है कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर किसे कहते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं कि पर्सनालिटी क्या होती है। पर्सनालिटी जो हम लोग बचपन से सीखते हैं, हमारे समाज में जो नॉर्म्स होते हैं उसके साथ में हमारी जो अपब्रिंगिंग होती है, हमारे मॉरल्स होते हैं, ये सब हमारी पर्सनालिटी को शेप देते हैं। पर्सनालिटी का मतलब ये होता है कि हमारी शख्सियत, जैसा आपने कहा, या हमारी फितरत जैसे डेवलप होती है। तो हर एक इंसान की एक फितरत बनने लगती है बचपन से, और बाय द टाइम बच्चा जब जवान होने लगता है, यानी जो बोलते हैं कि एडोलेसेंस में या सने बलूग जो बोलते हैं, उसमें पहुँचने लगता है, तो उसके आइडियाज़ फिक्स होने लगते हैं। 18 साल या उसके बाद आइडिया, ये कुछ चीज़ें रिजिड होने लगती हैं। अब हर इंसान जाना जाता है, उसकी जो ट्रेट्स होते हैं, जैसा आपने कहा कि ये कैसा है वो कैसा है, हर इंसान में होते हैं, मुझ में हैं, आप में हैं, सब में रहते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये जो ट्रेट्स हैं, ये बीमारी की शक्ल कब इख्तियार कर लेते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये होता है, और क्या हम उसे क्लासीफाई एज अ डिसऑर्डर कब करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहला इसका जो पैमाना होता है वो ये होता है कि उसके जो ट्रेट्स हैं, वो जो हमारे पॉपुलर बिलीफ है उस पर्टिकुलर सोसाइटी या समाज में जहाँ वो रह रहा है, उससे मेल खाते हैं या नहीं खाते। ओके। ठीक है। दूसरा ये होता है कि उसकी जो सोशल लाइफ है वो एडजस्ट कर पा रहा है या नहीं, या तो वो खुद को तकलीफ दे रहा है या दूसरे उसकी वजह से परेशान है। ओके। या अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी ठीक तरीके से नहीं जी पा रहा है जैसे उसे जीनी चाहिए, समाज में, प्रोफेशन में, या जो भी उसका इंटरपर्सनल रिलेशन है उसमें। तो अगर ये सारी चीज़ों पर असरअंदाज होने लगती है, उसकी जो सारी अलामतें हैं, तो हम उसे फिर पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं। ओके। सो मतलब पर्सनालिटी डिसऑर्डर मतलब लाइक हर इंसान अलग अलग कैफियत से गुजरता है, लेकिन सो दिस इज लाइक कितने ड्यूरेशन तक होनी चाहिए, जो आपने बताया कि ना टू फॉर इट नॉर्मली ये इंसान जब 18 साल या एडोलेसेंस से निकल कर जवानी की तरफ आता है, एडल्टहुड में आता है, तो उसके आइडियाज़ फिक्स होने लगते हैं। जी। तो ये जो आइडियाज़ फिक्स हो जाते हैं तो पर्सनालिटी एक सेटिंग हो जाती है। बिल्कुल। डिसऑर्डर उसी सूरत में होता है जब ये एडजस्टमेंट का प्रॉब्लम होने लगता है, या उसको उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तकलीफ आने लगती है उसकी वजह से, जो एडजस्टमेंट के प्रॉब्लम्स आते हैं, इश्यूज आते हैं उसको लेकर। ओके। तो फिर ये माय क्वेश्चन वाज लाइक मीनिंग फॉर हाउ लॉन्ग शुड बी सी दैट ये सेम एटीट्यूड दिखा रहा है वो हमेशा रहता है। फिर पर्सनालिटी उसको डिफाइन करती है, उसकी शख्सियत को।
ओके okay, मतलब वो हमेशा हर सिचुएशन में हर सिचुएशन में उसी तरह से बिहेव करेगा. ओके सो इट्स लाइक अ प्रेडिक्टिव उसका रिस्पांस ही है. हम किसी को जब डिस्क्राइब करते हैं जी. तो वी नो कि ये बंदा या बंदी कैसे रिएक्ट करेगी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में. जैसे मैं मुझे अगर कोई तकलीफ आ गई या मैं खुश हूँ तो जो मेरे आसपास के लोग हैं वो बराबर मुझे पहचान जाएंगे कि मैं कैसे रिएक्ट करूँगा. ओके तो मेरी पर्सनैलिटी उनको पता है कि ये ऐसा रिएक्ट करेगा. तो अगर ये जो रहता है ये मेरी पर्सनालिटी बन गई. इसी तरह से जो डिसऑर्डर भी बनता है वो उस टाइम पर बन जाता है और वो रहता है हमेशा. रहता है हमेशा. ओके सो जैसे मैंने अगर आप इफ आई अंडरस्टूड करेक्टली जब एक पर्सनालिटी इतनी ज्यादा हद तक बन जाती है कि दैट इज द ओनली वे अ पर्सन स्टार्ट्स रिएक्टिंग इन एनी सिचुएशन फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम ऑलमोस्ट रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ऑलमोस्ट रेस्ट ऑफ हिज लाइफ सो दैट इज व्हेन वी विल से दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अ पर्सनालिटी डिसऑर्डर. ओके तो क्या इसमें कोई टाइप्स है पर्सनालिटी डिसऑर्डर में? नॉर्मली जो हम लोगों का क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसमें हम लोगों ने ऐसे तीन ग्रुप बनाए हुए, उनको हम क्लस्टर बोलते हैं. ओके एक क्लस्टर ए है, बी है और सी है. क्लस्टर ए के अंदर जो पर्सनालिटीज आती हैं वो ऐसी पर्सनालिटीज हैं जो शक की मिजाज की होती हैं और हमेशा दूसरों पर शक करना, अजीब अजीब सी बातें करना. तो उसमें जो पर्सनालिटी टाइप्स आते हैं वो हम लोग उनको तीन तरह की पर्सनालिटी उसमें आती हैं. एक होता है स्किजोइड पर्सनालिटी, स्किजोटाइपल पर्सनालिटी और पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर. तो ये तीन डिसऑर्डर्स उसमें आते हैं. क्लस्टर बी जो है, जो दूसरा ग्रुप है, उसके अंदर ऐसी पर्सनालिटीज आती हैं जो थोड़ी ड्रामेटिक होती हैं. अक्सर ये जो क्लस्टर बी की जो पर्सनालिटी होती है ये लोग काफ़ी कामयाब होते हैं करियर में, काफ़ी कामयाब होते हैं क्योंकि ये लोग रूथलेस होते हैं. मतलब इनको दूसरे से इतना ज़्यादा जितना कंसर्न होना चाहिए वो नहीं होता है. ये लोग अपने मकसद में काफ़ी मतलब जैसा कहते हैं ना कि अपना काम बनना है तो बाकी भाड़ में जाए सब. राइट. तो उस किस्म के लोग होते हैं इसमें जो वन ट्रैक माइंड होता है, वी वांट आवर गोल्स. हाँ, तो मोस्टली जो क्लस्टर बी जो होता है, मोस्टली जो हम कामयाब लोग देखते हैं सामाजिक तौर पर, जैसे एक्टर्स हो गए, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, जनरलाइज स्टेटमेंट है, बट डोंट गेट मी रॉन्ग, सब तरह के लोग होते हैं हर जगह. पॉलिटिशियंस हो गए, तो इसमें अक्सर क्लस्टर बी के लोग होते हैं. इसके बाद में क्लस्टर सी आता है. क्लस्टर बी के अंदर चार तरह की पर्सनैलिटी होती है. सबसे पहली होती है बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी. इसमें फिर आती है हिस्टोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर मैंने कहा, एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, और उसके बाद में आती है नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी. ठीक है, तो ये चार पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्लस्टर बी में आते हैं. क्लस्टर सी में ऐसे लोग आते हैं जो समाज में एकदम खामोश रहते हैं, अपना एक कोना पकड़कर जीते हैं, जिनको समाज से बहुत ज़्यादा ऐसा लगाव नहीं होता, अपना तरीका चाहिए, उनके कंफर्ट जोन में वो लोग कंफर्टेबल होते हैं. और कभी कभी डरे सहमे रहते हैं, जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाते, लेकिन दूसरों को तकलीफ आमतौर पर नहीं देते, ये खुद तकलीफ बर्दाश्त कर लेते हैं. इसको क्लस्टर सी में डाला गया. इसके अंदर ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है, और इसमें अवॉइडेंट पर्सनैलिटी होती है, और एक डिपेंडेंट पर्सनैलिटी होती है. राइट. सो जैसे डॉक्टर ने कहा देयर आर थ्री क्लस्टर्स ऑफ पर्सनैलिटी. द फर्स्ट क्लस्टर जिसमें बहुत सारे शक्की मिजाज के लोग होते हैं. क्लस्टर बी में होते हैं वो लोग जो रूथलेस होते हैं, जो सिर्फ अपना ही देखते हैं, एंड दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज एज लॉन्ग एज उनकी नीड्स फुलफिल हो रही है. और क्लस्टर सी है वो जो अवॉइडेंट है, जो डरे सहमे लोग हैं, वो काइंड ऑफ पीपल कम इन क्लस्टर सी पर्सनैलिटी. सर जैसे आपने ये क्लस्टर्स की जो टिपिकल बिहेवियर्स डिस्कस किया है, अब हम देखते हैं कि इन सर्टन सिचुएशंस हम सब ऐसी सारी ट्रेट्स को डिस्प्ले कर रहे हैं. सो लाइक यू सेड, फॉर एग्जांपल, इफ यू टॉक अबाउट अ क्लस्टर बी पर्सनैलिटी जो रूथलेस होता है, दैट इज एम्बिशियस लोग तो होते ही है ना, रूथलेस. तो हाउ डू यू डिफ्रेंशिएट कि ना ये रूथलेस है इन अ पॉजिटिव मैनर या ये ना पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की तरफ जा चुका है? उनका जो बिहेवियर रहता है ना, हमेशा हर सिचुएशन में वो काफ़ी सेल्फिशनेस की तरफ रहते हैं. और हमेशा एक बर्ताव वैसा ही रहता है, मतलब वो सिर्फ अपने काम पर ध्यान देंगे. दो लोगों का जो लोगों के लिए रिगार्ड चाहिए, जो लोगों के लिए रिस्पेक्ट चाहिए, उतना ज़्यादा नहीं होता है. तो अभी हम थोड़ा थोड़ा बाकी जो क्लस्टर के ट्रेट्स हैं, जो क्लस्टर के क्लासिफिकेशन है, उसमें मैं आपको छोटी छोटी जो अलामतें हैं थोड़ी वो बता देता हूँ. तो सबसे पहले हम क्लस्टर ए पर आते हैं. इसमें सबसे पहले हम पैरानॉइड पर्सनैलिटी के बारे में बात करते हैं. जैसा नाम सजेस्ट करता है, पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. तो ये लोग हमेशा पैरानॉइड होते हैं. पैरानॉइड का मतलब हमेशा डरे हुए. उनको लगता है कि पूरी दुनिया उनके खिलाफ है, साजिश कर रही है. ये साइकोसिस जैसा नहीं होता, साइकोसिस में डिल्यूजन्स होते हैं. राइट. इसमें इनको सिर्फ शक होता है.
ओके और ये हमेशा हर एक को किसी पे जल्दी भरोसा नहीं करते. इनको लगता है कि सब लोग मिलकर उनको कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो ये लोग हमेशा जल्दी किसी पे भरोसा नहीं करते. घर वालों पर भी इनको भरोसा नहीं होता है, बाहर वालों पर भी नहीं होता है. मतलब ये थ्रू मतलब जितने लोग से वो मिलते हैं उनके साथ यही रवैया मोस्टली. यस 99.99% यू कैन से. तो वो हमेशा उनको ऐसा लगता है कि पीपल आर अगेंस्ट देम या दे आर प्लानिंग अगेंस्ट देम या सब लोग हैं, तो जल्दी ये लोग किसी पर भरोसा नहीं करते और हमेशा डरे हुए रहेंगे. हमेशा उनकी बातें भी उस किस्म की होगी कि कोई तकलीफ दे देगा मुझे, या मुझे इसने नुकसान कर दिया, या ये मुझे बढ़ने नहीं दे रहा है. तो इस किस्म की बातें करते हैं. तो पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर के अंदर सारे पैरानॉइड फीचर्स रहते हैं. कि वो डरा हुआ से ज़्यादा शक्की से रहते हैं. वो शक्की रहते हैं. और फिर उनकी जो पूरी लाइफ होती है ना वो उससे रंग जाती है. मतलब वो किसी को भरोसा नहीं करते हैं तो उनके रिलेशनशिप्स इतने अच्छे नहीं होते हैं. तो उसको लेकर उनके अंदर काफ़ी इंटरपर्सनल रिलेशंस से उनके स्पॉइल हो जाते हैं. इसके बाद में शिज़ोटाइपल पर्सनालिटी एक होती है. शिज़ोटाइपल पर्सनालिटी के अंदर कुछ आपने देखा होगा कि ऑड एक्सेंट्रिक बिहेवियर के लोग होते हैं. हर एक सोसाइटी में होते हैं. आप जहाँ रहते हो वहाँ पर भी कोई ना कोई होगा. तो इन लोगों के जो बिलीफ सिस्टम होता है काफ़ी ऑड और एक्सेंट्रिक होता है. मतलब ये लोग है ना ज़्यादा करके अजीब अजीब चीज़ों में भरोसा करना, मैजिकल थिंकिंग होती है कि कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ वैसा हो जाएगा. होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं. और उनको ऐसा वो एक अलग चीज़ है, लेकिन वो एक पार्ट हो सकता है, लेकिन वो उसका कोई डायग्नोसिस के लिए वो ज़रूरी नहीं है. तो ये लोग इनकी थिंकिंग कुछ मैजिकल जैसी रहती है कि वो अजीब अजीब सी बातें करेंगे कि ऐसा नहीं हो गया. कभी कभी वो अजीब से एक्सपीरियंस भी बयान करेंगे जो उनको लगता है उनके साथ हुए, जैसे बॉडीली एक्सपीरियंस. यस यस वैसा ही रहता है. और उनकी पर्सनैलिटी में ढल जाता है. उनको लगता है कि सारी चीज़ें बस वैसी ही है. तो इनको ऐसा कल्ट ऑकल्ट में बहुत ज़्यादा बिलीफ रहता है. तो शिज़ोटाइपल में आमतौर पर वैसी पर्सनैलिटी आती है. इनकी और भी अलामतें हैं. लेकिन बेसिक जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो यही होता है कि ये लोग अजीब अजीब सी बातें करेंगे कि मुझे वहाँ जिन दिख गया था, मुझे ये दिख गया, और मैंने यहाँ किया तो ऐसा हो गया, मैजिकल कुछ हो गया. तो इनकी पर्सनैलिटी में कुछ इस किस्म की चीज़ें होती है. सो द वंस हु से के ना दे आर पोजेस्ड बाय द स्पिरिट्स, उनको ये आके मिल गया, वो आके उनको कभी कोई समटाइम हम लोग उसको कल्चरली जो बाउंड सिंड्रोम्स होते हैं वो भी होते हैं. कभी कभी वो ओवर वैल्यूड आइडियाज भी होते हैं. कि हर एक समाज में कुछ ओवर वैल्यूड आइडियाज होते हैं ना. जी जी. कि सारा जो इंसानी समाज है वो तो ऐसे ही निकला है ना. बिल्कुल. तो वो हम लोगों को डिफ्रेंशिएट करना होता है कि वो ओवर वैल्यूड आइडियाज़ तो नहीं है. कि समाज में ज़्यादातर लोगों को अगर वैसा बिलीफ सिस्टम है एक पर्टिकुलर सोसाइटी में तो वो है. जैसे हमारे में जिन को मानते हैं लोग कि जादू टोना हो गया मानते हैं, तो ये एक आम बिलीफ है जो मुस्लिम सोसाइटीज़ में है. जी. कि नज़र लग गई, ये हो गया, तो ये अगर कल्चरल बिलीफ सिस्टम से मैच खा रहा है तो एबनॉर्मल नहीं माना जाता. लेकिन वो उससे हटकर कुछ अजीब ही है. इसके बाद में स्किज़ोइड पर्सनालिटी होती है. स्किज़ोइड पर्सनालिटी में ये लोग जो होते हैं ना एकदम इनको किसी से लगाव नहीं होता है. मतलब वो अपना काम एक कोना पकड़ कर करेंगे और उनको समाज में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, दोस्ती, इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा कोई रुबत नहीं होती है. उनको कोई लगाव नहीं होता है. वो लोग खाली अपना एक काम करते रहेंगे और जो डिमांड्स होते हैं सोशल के उनको बहुत ज़्यादा कामयाबी से भी खुशी नहीं होती है और नाकामी से भी गम नहीं होता है. वो एकदम ऐसे रहेंगे कि जैसे दुनिया बस जी रहे हैं. हाँ. और अफेक्टिविटी जो बोलते हैं हम लोग, जाने के जो मूड का चेंजेस होता है, जैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि इसमें दो चीज़ें होती हैं हमारी जो पर्सनलिटी में, दो चीज़ें होती हैं. एक तो होता है कॉग्निशन. जी. कॉग्निशन यानी हम कैसे सोचते हैं, कैसे समझते हैं, सारे जो हमारे हायर ब्रेन फंक्शंस हैं वो. और दूसरा हमारा होता है अफेक्टिविटी. अफेक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि हम कैसे रिएक्ट करते हैं चीज़ों को. हमारा मूड उदास है, खुश है. जी. तो ये जो चीज़ें होती है उसके बाद में हमारी इम्पल्सेस आती हैं. ओके. तो ये जो तीन चीज़ें हमारी पर्सनैलिटी को बनाती हैं. तो ये सारे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में जो कॉग्निशन है इसमें फ़र्क पड़ता है, इम्पल्सिविटी में फ़र्क पड़ता है और अफेक्टिविटी में फ़र्क पड़ता है. ओके. सो ये जब तीन बैलेंस इम्बैलेंस हो जाता है, किस तरीके से किस तरफ जा रही है उसके ऊपर होता है. तो स्किज़ोइड पर्सनैलिटी में इनके अंदर रिएक्टिविटी नहीं होती है. हाँ. इनको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है. कोल्ड होते हैं इमोशनली. बिल्कुल. तो ये स्किज़ोइड पर्सनैलिटी होती है. राइट. तो ये क्लस्टर ए डिफाइन क्लस्टर ए हो गया. क्लस्टर बी के अंदर जो होता है ना, हाईली इम्पल्सिव लोग, जैसा हम लोग ने इन जनरल कहा जी,
तो इसमें सबसे पहले आता है कि एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जैसा नाम सजेस्ट करता है, एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है इसमें जो भी पर्सन इन्वॉल्व है वो बेसिकली उसको लॉज नॉर्म्स इनको फॉलो नहीं करना होता है. उनको लगता है कि उसके लिए रिगार्ड्स ही नहीं है, कि उनके लिए एग्जिस्ट नहीं करते, उनको करना है. और ये काफी इंपल्सिव लोग होते हैं. अबव ऑल दीस थिंग्स, अबव ऑल तो नहीं, लेकिन उनको फिक्र नहीं होती कि क्या होगा हमारे साथ में. और उनका सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो ये होती है कि उनको गिल्ट या रिमोर्स नहीं होता. यानी उनको, उन्होंने किया, अगर उन्होंने आपको धोखा दिया, ये लोग अक्सर काफ़ी मैनिपुलेटिव होते हैं. मतलब ये आपको, घर वालों को भी बेवकूफ़ बनाएंगे, माँ बाप तक को नहीं छोड़ेंगे, बहन भाई को नहीं छोड़ेंगे, बाहर वालों को तो आप छोड़ ही दो, उनको तो कुछ भी करेंगे. किसी को भी मैनिपुलेट करने में ये लोग पीछे नहीं हटते, झूठ बोलने में बिल्कुल पीछे नहीं हटते. और इनको ये झूठ इतनी शानदार तरीके से बोलते हैं और इतने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि ये सच्चा है और मैं झूठा हूँ. मतलब आप सच बोल रहे होगे, लेकिन आपको ये एहसास होगा कि मैं तो झूठ नहीं बोल रहा हूँ. तो उनका जो मैनिपुलेशन का लेवल होता है, जो उनका कॉन्फिडेंस होता है झूठ बोलने का, और जो चीज़ों को करने का तरीका होता है, वो इतना ज़बरदस्त होता है. और बिल्कुल भी इनको किसी भी चीज़ के बारे में कोई गिल्ट नहीं होता है. हाँ, मतलब ये घर का सामान बेच देंगे, तोड़ देंगे, और उनको एहसास नहीं होगा कि हमने गलत किया है, कि हमारे माँ बाप इसको कैसे लेकर आए हैं, कितनी मेहनत की है. ये अपने सिबलिंग्स को ही, यानी बहन भाई को भी फंसा देंगे, कुछ भी कर देंगे, और उनको कुछ नहीं होता है. तो सारी एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में मोस्टली एंटी सोशल वाले इन्वॉल्व होते हैं. किसी को भी जो बोलते हैं ना, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये एंटी सोशल पर्सनैलिटी वाले करते हैं और इम्पल्सिव काफ़ी होते हैं ये लोग. तो एंटी सोशल पर्सनैलिटी में ऐसा होता है. इसके बाद में आती है बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी. जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी. तो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी में ऐसे लोग होते हैं जो कि दे आर ऑन द बॉर्डर ऑफ नॉर्मलसी एंड साइकोसिस. हाँ, मतलब वो लोग यहाँ से यहाँ जाते हैं, यहाँ से यहाँ आते हैं. उनको कई बार माइक्रोसाइकोटिक एपिसोड्स आते हैं. माइक्रोसाइको मतलब छोटे छोटे साइकोसिस के एपिसोड्स भी आ जाएंगे. तो वो लोग यहाँ से यहाँ करते रहते हैं. इनकी सबसे खसूसियत ये होती है कि इनके अंदर ये किसी भी इंसान को या किसी भी चीज़ को एकदम आइडियलाइज कर सकते हैं और फिर उसको सडनली डीवैल्यूएट कर देते हैं. मतलब आज आप मेरे लिए, मतलब आप खुदा हो आज मेरे लिए, अच्छा, और कल आप शैतान हो. वाओ, मतलब इतना एक्सट्रीम होता है. इतना एक्सट्रीम होता है. आज आपसे अच्छा कोई नहीं है, चार घंटे बाद या दो दिन बाद या एक हफ्ते बाद आपसे बुरा कोई नहीं है, मैं पूरी दुनिया में. क्योंकि कुछ हुआ है या ऐसे ही, ऐसे ही उनको जो उनके हिसाब से अगर कुछ होता है, कुछ नो इवेंट हुआ है दोनों के बीच में, नहीं, वो उनका परसेप्शन जो रहता है ना, उसके हिसाब से वो चेंज होता है. आपने कोई गलत नहीं भी किया होगा, लेकिन ऐसा हो जाता है. और ये लोग क्या होते हैं कि अक्सर इन लोगों को खालीपन लगता है, इमोशनली डिटैच रहते हैं ये लोग भी, हाईली इम्पल्सिव होते हैं. कर गुजरेंगे, बाद में देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है. जैसा एंटी सोशल होते हैं वैसे ये भी होते हैं. और इनको अक्सर क्या होता है कि इनको अक्सर खालीपन लगने की वजह से डिप्रेशन इनके अंदर काफ़ी कॉमन होता है. और साइकोसिस भी कभी कभी आता जाता रहता है, मूड स्विंग्स होते रहते हैं. और ये लोग काफ़ी हद तक अपने आप को, मतलब ड्रामा ज़्यादा करते हैं. जैसे ड्रामा कैसा करते हैं कि सामने वाले को डराना धमकाना कि हम, आपने ये नहीं किया तो हम ये कर लेंगे. तो अक्सर ये जो बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी वाले होते हैं ना, ये कई बार ड्रग एडिक्ट होते हैं, मल्टीपल सुसाइडल अटैम्प्ट करते हैं, या कभी कभी डराने के लिए करते हैं. तो आप अगर इनकी कलाई वगैरह देखोगे, इन्होंने बहुत बार अपनी कलाई पे कट किया होता है, या बहुत बार ऐसा होता है कि बार बार पॉइजन ले लिया. तो अक्सर जब ऐसे लोग पॉइजन भी सीकिंग होते हैं लोग, कई बार डराने के लिए होता है, कई बार अटेंशन सीकिंग भी होता है. समटाइम वो कम्प्लीटेड सुसाइड भी हो जाता है. तो अक्सर तो ये मिसयूज़ करने के लिए ही करते हैं, लेकिन फिर भी हो जाता है. तो सुसाइड ऐसा चीज़ बिग टॉपिक, अलग टॉपिक है, उसके ऊपर तो एक अलग वर्कशॉप ही होना चाहिए, हाउ टू प्रिवेंट और कैसे आइडेंटिफाई करें. बिल्कुल. लेकिन ये लोग ऐसा करते हैं अक्सर, इनका थोड़ा ड्रामा होता है. राइट. एंड दिस इज लाइक कॉग्निटिवली, एंड दे आर मोर इनटू बॉर्डरलाइन वाले और जो एंटी सोशल वाले, दे आर मोर इनटू ड्रग्स, दे आर मोर इनटू इलीगल एक्टिविटीज. ओके. और अक्सर जो घरों में झगड़े वगैरह होते हैं ऐसी पर्सनालिटी की वजह से होते हैं. इसके बाद आती है हिस्टियोनिक पर्सनालिटी. हिस्टियोनिक पर्सनालिटी में क्या होता है कि अटेंशन सीकिंग पर्सनालिटी होती है. राइट. ओके. उनको ऐसा लगता है कि अगर वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो उनको ऐसी जगह जाना ही नहीं होता है. वो अगर गए हैं तो वहाँ से जल्दी निकल जाएंगे. ओके. उनको एक ऐसा लगता है कि दुनिया उनके इर्द गिर्द घूमनी चाहिए. इर्द गिर्द घूमना उनकी दे में, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो इस किस्म की होती है कि वो अपनी तरफ खींचने वाली बॉडी लैंग्वेज होती है. मतलब वो सेक्सुअल भी हो सकती है, या ऐसा उनका ड्रेस, सेंस ऑफ ड्रेसिंग ऐसा होता है कि सबसे अलग होगा, एकदम ब्राइट कपड़े पहन लिए, डिफरेंट कलर जो नॉर्म नहीं है. नॉर्म नहीं. क्या आप अभी
मेल्स में अपने समाज में पर्पल ब्राइट पर्पल कोई पहनता नहीं है, वो ब्राइट पर्पल पहन के आ जाएंगे कि चलो हमें लोग देखे. So they consciously do this because they want because it fulfills their psychological need. Right. तो वो लोग करते हैं. तो अब उसमें और थोड़ा हिस्टोरिक में थोड़ी ड्रामेटिक पर्सनैलिटी होती है, उनकी स्पीच जो होती है काफ़ी खाली होती है मटेरियल से, लेकिन वो लैंग्वेज वगैरह ऐसी यूज़ करेंगे जैसे बहुत ड्रामेटिक, बहुत हाई फाई लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, बनावटी बातें कर रहे हैं, और उनके इमोशंस जो होते हैं ना वो काफ़ी शैलो होते हैं. मतलब वो बताएंगे दे मे एक्ट एज इफ कि पहली बार किसी से मिले और ऐसा लगेगा कि नहीं आप तो मेरे भाई हो, आप तो मेरे बिछड़े हुए भाई मिल गए, ये हो गया, काफ़ी बनावटी बातें. और हाँ मतलब आप जितनी बातें डिस्क्राइब कर रहे हैं मुझे लोग ऐसे हाँ ये ऐसे ये वैसे ऐसे लग रहा है मुझे. और हाँ जी, तो वो ओवर ड्रामेटिक होता है और काफ़ी शैलो होते हैं इमोशंस. राइट. तो वो दोनों चीज़ें मैच नहीं होती हैं बिल्कुल. और कभी कभी वो हाँ, और कभी कभी ऐसा होता है कि रिलेशन उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते लेकिन ये लोग उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाते हैं सामने वाले को. ओके. कि ठीक है मेरा, मैं समझा आपसे कैजुअली ऐसी दोस्ती हो गई है जी, लेकिन अब मैं जबरदस्ती हिस्टोरिक पर्सनालिटी है मुझे तो मैं आपको ऐसे दिखाऊंगा कि मतलब यू आर सो इम्पोर्टेंट फॉर मी. हाँ, यू आर सो इम्पोर्टेंट फॉर मी. और वो बनावटी रहेगा, मतलब इट फुलफिल्स देयर नीड. तो फिर मैं आप मुझे कुछ ना कुछ आप भी ऐसा बोलोगे या ऐसा रिएक्ट करोगे जिससे मुझे ऐसा लगेगा कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ. राइट. So this is basically attention seeking रहता है. उसके बाद में आता है नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी. ओके. सो ये भी क्लस्टर बी का ही है. तो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी में जो नार्सिसिज्म होता है, नार्सिसिज्म का वर्ड जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है जी. ये एक ग्रीक मेथोलॉजी का पार्ट है कि नार्सिसिस जो था, नार्सिसिस उसका नाम मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन वो भी जो भी पर्सन था कि ही वॉज सो हैंडसम एंड सो ब्यूटीफुल के वो उस वक्त मिरर नहीं थे तो वो जाके पानी में उसने अपने आप को देखा तो अपने आप से उसको मोहब्बत हो गई. एंड देन ही फेल डाउन एंड डाइड. तो ये क्रक्स है. Okay. ये लोग इतने ज़्यादा अपने आप से मोहब्बत करते हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी वाले कि उनको टू द एक्सक्लूजन ऑफ अदर, उनको दूसरे का रिगार्ड नहीं होता. दे हैव सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट कि हम कहीं भी जाएंगे तो हमें स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए. दे हैव दैट ग्रैंडियर फीलिंग कि हम कुछ अलग है, अलग है और हम कुछ स्पेशल है और हमको वैसे ही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए. और अगर नहीं मिल रहा है तो ये सामने वाले की गलती है. Okay. मतलब हम हैं और बाकी पानी कम है जो बोलते हैं ना यहाँ की लैंग्वेज में अपनी लोकल. तो वो वैसा रहता है उनकी पर्सनालिटी में. Okay. उनके भी इमोशंस एकदम नहीं होते. हाँ, शैलो होते हैं या इमोशंस नहीं होते, दे आर वेरी ब्लंट. वो लोग अपना काम निकालने के लिए कुछ भी कर लेंगे. वो आपको एक सीढ़ी की तरह यूज करेंगे, निकल जाएंगे. mm-hmm. और उनको कोई इमोशंस नहीं होगा. ऐसे वाले लोग इमोशंस डिस्प्ले तो करते हैं पर वो बनावटी होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम. राइट. छोटी छोटी चीज भी जो इंसल्ट होती है ना वो बहुत ज्यादा बड़ी लगती है. जो इंसल्ट नहीं भी है वो इंसल्ट लगती है. और अगर इंसल्ट हो गई तो मतलब क्या ही हो गया, फिर तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं जी. मतलब वो छोटी सी चीज के लिए इतने ज्यादा विंडिक्टिव हो जाएंगे कि आपको शायद आपके पीछे पड़ जाए अगर उनको पावर है तो. ये क्लस्टर बी के अंदर नार्सिसिस्टिक ऐसी पर्सनैलिटी होती है. अब हम लोग आते हैं क्लस्टर सी के ऊपर. क्लस्टर सी के अंदर जैसा मैंने बताया कि खामोश तबीयत के लोग होते हैं. mm-hmm. जो अब अपना एक काम करना चाहते हैं और चुपचाप समाज में जीना चाहते हैं. उनको लगता है कि नहीं क्यों प्रॉब्लम्स चाहिए लाइफ में. okay. लेकिन वो इतना ज़्यादा हो जाता है एक हद तक कि उनको अपने लिए भी तकलीफ होती है जीने पर और दूसरे की प्रोडक्टिविटी भी हैम्पर हो जाती है. राइट. तो इसमें आती है अवॉइडेंट पर्सनालिटी. जैसा वर्ड बताता है कि ये लोग अवॉइड करते हैं. राइट. सारी ऐसी सोशल सिचुएशन को जहाँ इनको ऐसा लगेगा लोग हमको स्क्रूटिनाइज कर रहे हैं. mm. या लोग मेरी तरफ देख रहे हैं या मुझे जो हिस्टोनिक का उल्टा. ओके. हिस्टोनिक में जैसा जैसा बताया उसका एकदम उल्टा. उल्टा. ये लोग सारे सोशल सिचुएशन को अवॉइड करेंगे. कन्फ्रंटेशंस अवॉइड करेंगे. हर एक को ये बोलेंगे यार हमको यहाँ इस रास्ते जाना ही नहीं है, क्यों जाना है, छोड़ो. बिल्कुल. और चुपचाप अपना काम करेंगे. थोड़े डरपोक किस्म के लोग रहते हैं या अवॉइड करना चाहते हैं बेसिकली. तो कुछ भी हुआ तो ये बोलेंगे छोड़ो ये नहीं करना है. तो दे विल अवॉइड सोशल सिचुएशंस जहाँ पर उनको स्क्रूटिनाइज किया जा रहा है. दे विल अवॉइड फैमिली के सिचुएशन जहाँ पर कुछ हो रहा है तो सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बजाय उसको कारपेट के नीचे डालते जाते हैं. यस. तो उनके लिए भी प्रॉब्लम होते हैं, घर वालों के लिए भी प्रॉब्लम होते हैं. तो अवॉइडेंट पर्सनैलिटी मोटा मोटा ऐसा होता है. mm-hmm. उसके बाद में आते हैं डिपेंडेंट पर्सनैलिटी. डिपेंडेंट पर्सनैलिटी भी एकदम अलग होती है. ये इनको एक सहारा लगता है हमेशा. उनको डर लगता है हमेशा कि ये मुझे छोड़ तो नहीं देगा, वो मुझे छोड़ तो नहीं देगा. ओके. या उनको लगता है मेरा
हस्बैंड तो नहीं छोड़ देगा, मेरी बीवी तो नहीं छोड़ देगी, भाई तो नहीं चला जाएगा, तो उनके जो रिलेशंस होते हैं ये शक नहीं है, डर रहता है उनको कि छोड़ देंगे, और अगर छूट गए उनको अकेलेपन से सबसे ज्यादा डर लगता है, क्योंकि वो अपने लिए डिसाइड नहीं कर सकते, उनके अंदर डिसीजन टेकिंग कैपेसिटी उनकी बहुत कम होती है, दे आर ऑलवेज डिपेंडेंट, हर चीज पूछ कर करेंगे, जो नॉर्मली हम लोग एक लैंग्वेज में बोलते हैं ना मामाज बॉय है, तो वो कभी कभी वैसा रहता है कि वो माँ ने जैसा कहा या बीवी ने या शोहर ने जैसा कहा उसके आगे कुछ करना ही तो नहीं सर, है। मुझे ये पूछना था, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपने कहा कैपेसिटी नहीं होती, मतलब ये विल इशू नहीं होता है, ये स्किल इशू होता है, इज दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, कि वो कर ही नहीं सकते। कैपेसिटी होती है, आईक्यू अच्छा है, उनका इंटेलिजेंस अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो जो एक फियर है उनको, उनको फियर है, उनको जो फियर है वो उनको करने नहीं देता है, और उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफी कम हो जाता है, वो अवॉइड करने लगते हैं, नहीं ये चला जाएगा, दे हैव डिपेंडेंसी नीड्स, मतलब दे आर ऑलवेज डिपेंडेंट, उनको कहीं ना कहीं लगेगा वो अकेले बाहर नहीं जाएंगे, उनको लगेगा कि चलो जाना है तो यार कोई साथ में हो, ये फलानी जगह जाना है तो करते हैं, वो अपना काम करेंगे, बाकी सब कुछ करेंगे, लेकिन वो ऐसा हो जाता है कि फिर वो टोटली एक सहारा ही ढूंढते रह जाते हैं, बिल्कुल। और फिर है ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इसके अंदर ओसीडी एक बीमारी होती है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो अलग होती है, ओसीपीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो होता है ये अलग होता है, इसमें क्या होता है कि दे आर हाईली रिजिड पीपल, मतलब लॉस को लेके, जैसे एंटी सोशल में कैसा था उनके लिए कोई लॉ एग्जिस्ट नहीं करता, इनके लिए छोटे छोटे चीज भी बहुत ज़्यादा लॉ है, टू द एक्सटेंट ये होता है कि वो कभी कभी इतना इम्प्रैक्टिकल होते हैं, जो लॉ गवर्नमेंट की जो कानून जो गैर कानूनी है वो तो छोड़ दीजिए, अब कानूनी गैर कानूनी, जो कभी कभी खुद के बनाए हुए लॉज होते हैं ना इनके, वो इतने रिजिड होते हैं कि ये इनको समाज में जीने नहीं देते, इनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, इनको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आता है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि लोग इनके हिसाब से चलना चाहिए, चलना चाहिए, और ये लोग काफ़ी फंसी होते हैं, इनको एक पर्टिकुलर रिजिडिटी चाहिए हर चीज़ में कि ये सिस्टम ऐसा ही चलेगा, सिस्टम को बदलेंगे नहीं, दे आर नॉट ओपन टू चेंज, दे आर नॉट ओपन टू चेंज। ओके सर, मुझे पूछना था कि आपने जितनी सारी सिम्टम्स या जितनी सारी आइडेंटिफाइंग क्वालिटीज बताई, ये काफ़ी सारी यू नो ओवरलैप भी होती है, तो इज इट दैट दे हैव डिफरेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स या मोस्ट ऑफ द सम ऑफ द ट्रेट्स डू ओवरलैप? सम ऑफ द ट्रेट्स डू ओवरलैप सम टाइम, लेकिन वो सेम क्लस्टर में मोस्टली रहते हैं। अच्छा, जैसे किसी को नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी है जी, तो नार्सिसिस्टिक के साथ में थोड़े एंटी सोशल ट्रेट्स आ सकते हैं। तो सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जिसको ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होती है, डू दे हैव लाइक एन अंडरलाइनिंग डिजीज बिकॉज ऑफ विच वो लोग इस तरह से बिहेव करते हैं, या कॉजेज क्या है? जैसे आपने कहा कि कॉग्निशन अफेक्टिविटी और इम्पल्सिस में प्रॉब्लम हो गया इस वजह से, इज देयर समथिंग एल्स दैट कॉजेज दीज थिंग्स? हाँ, सबसे पहले आपने दो पार्ट में सवाल पूछा है। पहला पार्ट ये है कि उनको अंडरलाइन कोई प्रॉब्लम होता है क्या? अंडरलाइंग प्रॉब्लम उनको होता है और उस वजह से पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होगा, ऐसा नहीं है। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के पेशेंट्स को दूसरी बीमारियां हो सकती है, कोई भी साइकेटिक इलनेस, दूसरी जो भी है, चाहे वो साइकोसिस हो, मूड डिसऑर्डर हो या कुछ भी हो, वो साथ में हो सकता है, सब्सटेंस अब्यूज हो सकता है। इसके अलावा आपका दूसरा सवाल था कि कॉजेज क्या है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के, तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के जो एग्जैक्ट कॉजेज है, जैसे मैंने आपको बताया कि पर्सनैलिटी शेप कैसे होती है, तो हमारे उसके अंदर होते हैं काफ़ी प्रिंसिपल्स होते हैं। सबसे कॉमनेस्ट जो चीज़ देखी गई है वो ये है कि जेनेटिक होता है। तो लोगों ने ट्विन स्टडीज़ किए, ट्विन स्टडी का मतलब क्या होता है कि जो ट्विन्स बच्चे पैदा होते हैं उनकी दोनों की पर्सनैलिटी सेम होती है या नहीं होती है, तो उसमें आइडेंटिकल ट्विन होते हैं और नॉन आइडेंटिकल ट्विन होते हैं। तो जिनकी परवरिश भी अलग अलग हुई है, जैसे दो ट्विन है और दो अलग फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया है, तो ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में काफ़ी कॉमन है, तो वहाँ पर उन लोगों ने ये पाया कि काफ़ी हद तक पर्सनैलिटी सेम हो सकती है। तो कहीं ना कहीं जेनेटिक होता है। फिर एक हाइपोथेसिस है जिसको हम लोग मोनोअमाइन हाइपोथेसिस बोलते हैं, कि प्लेटलेट के अंदर मोनोअमाइन करके एक केमिकल होता है, न्यूरोट्रांसमीटर होता है। तो वो जिसमें कम होता है तो वो लोग काफ़ी खुश मिजाज होते हैं और क्लस्टर बी के अंदर जाने के चांस होते हैं, और जिनमें कम होता है तो क्लस्टर सी या क्लस्टर ए में जाने के चांस होते हैं। तो एक ये थियरी है, बट लेकिन वेरीफाइड नहीं है। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि हम एक एग्जैक्ट कॉज पता करें। सबसे कॉमन जो है, मतलब जैसे मतलब माहौल घर का, हाँ, जो साइकोलॉजिकल साइको एनालिटिक जो थियरीज हम लोग बोलते हैं, उसके अंदर जो डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं उससे सारी पर्सनैलिटीज बनती है, ऐसी एक थियरी है, लेकिन वो काफ़ी एग्जॉस्टिव है और वो जो हमारे ऑडियंस है वो बोर हो जाएंगे अगर हम उसमें जाएंगे। बिल्कुल। सो बेसिकली देर आर कॉजेज, जेनेटिक, एनवायरमेंटल और अंडरलाइनिंग रीजन हो सकते हैं कभी कभी।
सो सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इसको क्लिनिकली कोई टेस्ट है टू डायग्नोज अ पर्सन, क्योंकि अगर हम किसी को बोलेंगे कि आपको ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर है तो वो मुझे नहीं लगता कि मानेंगे कि हाँ मुझे ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, तो आर देयर एनी क्लिनिकल टेस्ट्स? एक तो सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है किसी भी इलनेस में, चाहे वो साइकेट्रिक हो या नॉन साइकेट्रिक हो, हिस्ट्री टेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो पेशेंट की जो हिस्ट्री है, जो साथ में इंफॉर्मेशन देने वाले लोग हैं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है. उसके बाद में जहाँ तक पर्सनालिटी डिसऑर्डर का सवाल है, तो पर्सनालिटी टेस्टिंग होती है जिससे पता चलता है. तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं इसमें, MMPI करके, मिनेसोटा मल्टीफिजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री है, MCMI है जी. तो ऐसे बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो साइकोलॉजिस्ट करते हैं, साइकेट्रिस्ट करते हैं. okay. तो जिससे पता चलता है. सो देयर आर क्लिनिकल टेस्ट टू यू नो डायग्नोस दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. हाँ, समटाइम तो ऐसा होता है ना कि लोग ये MMPI, MCI, ये टेस्ट जो होते हैं ना, HR डिपार्टमेंट कई बार पेशेंट पर्सन को एम्प्लॉय करने से पहले टेस्ट करवाते हैं कि वेदर कुछ पैथोलॉजी है या नहीं है पेशेंट है. ओके, ऑलराइट. सो मेरा अगला सवाल ये है कि कंसिडरिंग दैट देयर आर दीस डिसऑर्डर्स कैन हैव सच इम्प्लिकेशंस इन आवर लाइव्स, आर देयर एनी ट्रीटमेंट्स फॉर दिस काइंड ऑफ डिसऑर्डर्स? जैसा मैंने आपको बताया कि ये फितरत है जी, तो फितरत का आमतौर पर कोई इलाज नहीं होता है. okay. लेकिन क्या होता है कि कभी कभी एक्सट्रीम हो जाता है जी, और कभी कभी इनको सेकेंडरी इलनेस, जैसा आपका सवाल था कि इनको दूसरी बीमारियां होती है, तो क्लस्टर बी वालों को अक्सर मूड डिसऑर्डर कॉमनली होते हैं. ओके, साइकोसिस भी हो सकता है. तो ऐसे ही बाकी दोनों क्लस्टर वालों को दूसरी साइकेटिक इलनेसेज होती हैं कई बार, तो हम उनको ट्रीट करते हैं. वो अनडाइग्नोज होती है पर्सनलिटी के साथ में, तो उससे काफ़ी फ़ायदा होता है. okay. और कई बार क्या होता है कि हम मूड स्टेबिलाइजर देते हैं अगर सिम्टम्स बढ़ जाती है. कई बार फेजेज आते हैं लाइफ में जब स्ट्रेस होता है, तो कई बार ये चीज़ें बढ़ जाती हैं. लेकिन अगर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बाकी ऐसे फेजेस नहीं आ रहे हैं और डिफ़िकल्टी आ रही है जी, तो साइकोथेरेपी वगैरह थोड़ा हेल्प करती है. हेल्प करती है. so, लेकिन दवाएं भी लगती है बहुत बार. ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल? हाँ, आप नहीं ऐसा कुछ नहीं. सो बेसिकली इट्स मेकिंग द पर्सन अवेयर कि ये उसका एक इशू है, एंड कैन दे वर्क ऑन दिस राइट विद साइकोलॉजिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट, सो दैट विल हेल्प देम. हाँ, एंड मेडिसिन आर नीडेड समटाइम. ओके, दवाओं की जरूरत पड़ती है कभी कभी. Right. तो उनके जो मूड स्विंग्स होते हैं, इम्पल्सिविटी होती है, गुस्सा होता है, एग्रेशन होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए लगता है. मैनेजमेंट, बेसिकली मैनेजमेंट. यस, ओके. सो थैंक यू सर, दैट वाज वेरी इन्फॉर्मेटिव. सो बिकॉज वी हैव कंस्ट्रेंट ऑफ टाइम, इज देयर सम अदर सम लास्ट वर्ड्स दैट यू वुड लाइक टू टेल आवर व्यूअर्स अबाउट पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स? यस, आई वुड लाइक टू से दैट पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है ये मैनेजेबल चीज़ें होती हैं, और डिफ़िकल्टीज आती हैं जी. क्योंकि अभी कोई ऐसा फुल प्रूफ डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है बहुत सारी पर्सनालिटी डिसऑर्डर के लिए जी. लेकिन डोंट गिव अप. अगर कोई फैमिली मेम्बर को है जी, तो सीक हेल्प. अच्छे प्रोफेशनल्स हैं, लोग जो हेल्प कर सकते हैं और इजीली अवेलेबल हैं जी. तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है किसी की फितरत को लेकर, पर्सनैलिटी को लेकर, तो सीक हेल्प. So thank you so much for your time, doctor. And of course, this topic is so vast, but you've given us so much information that I'm sure ke log agar awareness bhi aa jati hai ke you know this can be a problem in their lives, jis wajah se unki you know unki zindagi aage nahi badh pa rahi, so inshallah you know we have helped them take that first step to improving their lives. So thank you so much for that. Thank you. To viewers, ye tha hamara aaj ka episode. Humne dekha ki personality disorders कितनी टाइप्स की हो सकती है और किस तरह से वो हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात पैदा कर सकती है. जैसे डॉक्टर ने कहा कि एक तो यू हैव टू बी ओपन टू एक्सेप्ट कि आपको इसमें से कोई भी डिसऑर्डर हो सकती है इफ़ इट इज़ स्पेशली इम्पैक्टिंग योर लाइफ टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट. सो अगर आपको या आपके घर वालों में किसी को ऐसी पर्टिकुलर साइंस और सिम्टम्स है, तो आप कुरेज ना करें, आप फौरी तौर पर एक एक्सपर्ट से जाके मशवरा करें. फॉर ऑल यू नो, अगर आपको ये डिसऑर्डर है, सो देर इज़ हेल्प फॉर यू टू कम बैक एंड लिव अ हेल्दी लाइफ. तो उम्मीद है आपके लिए आज का ये एपिसोड फ़ायदेमंद साबित होगा. एंड इंशाल्लाह, इफ़ यू हैव एनी पर्टिकुलर डिजीज़ के जो आप चाहते हो कि हम ये प्लेटफॉर्म पे डिस्कस करें, या आप हमें कोई फीडबैक देना चाहते हो, तो हमसे राबता ज़रूर करें. हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके TV स्क्रीन पर है. इसी के साथ मुझे मोहसिन डोडिया को दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहे चैनल विन के साथ. शुक्रिया, खुदा हाफिज़.